हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुचिन सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही डॉक्टर विवेक गुप्ता हैं हमारे साथ इस वक्त अपोलो हॉस्पिटल से। आप सभी हैप्पी हाइपोक्सिया, तो कितने दिन का वक्त देता है इंसान को संभलने के लिए, देता भी है या नहीं? देखिए हैप्पी हाइपोक्सिया में थोड़ा सा और क्लिनिकल आम भाषा में समझाना चाहूंगा, इट इज हाइपोक्सिया विदाउट एनी मेजर सिम्टम्स। हैप्पी नहीं है पेशेंट को, तो कोरोना हो रखा है, इज नॉट हैप्पी, इट इज एक्चुअली नॉर्मल हाइपोक्सिया। उसको हाइपोक्सिया हो गया, ब्लड सैचुरेशन गिर के आ गया 80-85 ऑक्सीजन सैचुरेशन आपेंगे एंड ही स्टिल नॉर्मल। नॉर्मल मतलब है कि नॉर्मल जो हाइपोक्सिया होता है, जैसे मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, अगर पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर होता है या हार्ट अटैक होता है, तो उसके हार्ट के अंदर जो पानी चलाता है फेफड़े में, उसकी सांस फूलने लगती है और उसका सैचुरेशन जैसे 90 आता है। जब किसी को एक्यूटली एक्यूट सैचुरेशन आता है तो हम लोग बड़े बड़े हो जाते हैं, उसको सीधे से हम लोग बाईपैप लगाते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं और उसके बाद वेंटिलेट करना पड़ता है। एंड दैट पेशेंट इज सीवियरली ब्रेथिंग, इसको ब्रेथलेस इतना ज्यादा होता है कि ही सीज कि आई एम गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ ब्रेथलेसनेस, बिकॉज ऑफ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। हैप्पी हाइपोक्सिया में क्या है, द पेशेंट स्टिल फील्स नॉर्मल बिकॉज इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। लंग्स के अंदर जो COVID-19 में अब देखा गया, इंडोनेशिया में देखा गया, अब दिस इज नॉन इज हैप्पी हाइपोक्सिया बिकॉज दिस इज पेशेंट हु इज फीलिंग नॉर्मल। दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें बताना चाहूंगा, क्लिनिकली जो है कई बार ऑक्सीजन सेचुरेशन ना भी हो तो इसमें क्या सिम्टम आएंगे, अगर किसी को हाइपोक्सिया होगा हार्ट पेशेंट को या एक्यूट किसी वजह से निमोथेरेक्स हो जाए या और कोई लंग कोलैप्स कर जाए, तो ऐसी कंडीशन में उसको सांस फूलेगी और सिर में दर्द होगा। लेकिन ऐसे जब ये हैप्पी हाइपोक्सिया वाला जो है, जो COVID-19 वाला है, ना तो उसको सिर में दर्द होता है ना उसको सांस फूलती है एंड ही फील्स नॉर्मल। सैचुरेशन मशीन से पता लग जाता है, लेकिन एक दो सिम्टम है, अगर काफी सैचुरेशन करके 40-50-60-70 हो जाता है तो उसके थोड़ा सा लिप्स जो होते हैं वो ब्लूइश हो जाएंगे और चेहरा भी इसका पीला हो जाएगा। तो ये तरीका है यू कैन रिकॉग्नाइज फॉर COVID-19 पेशेंट। आपने क्वेश्चन था कि इसको क्या करा, कैसे इलाज किया जाए, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? कैसे बचे सर इससे, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? बचने का तरीके, हाइपोक्सिया हो रहा है, ये COVID-19 का जो इंडियन वेरिएंट आया है, इनके वेरिएंट है B.1.1.7 है, यंग लोगों को ज्यादा कर रहा है। तो ये बात हो रही थी यंग लोग को ज्यादा कर रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है? उसका रीजन है कि यंग लोग बाहर जा रहे हैं, बाकी लोग बाहर टोटली अंदर लॉकडाउन में है। अब इसको बचने का तरीका तो कोई है नहीं, COVID-19 का इलाज करना पड़ेगा। यू हैव टू गिव ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, ऑक्सीजन आपको सैचुरेशन मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीमीटर इज नाउ शुड बी विद एवरीबडी शुड हैव इट एट हिज होम, चाहे उसको कोविड हुआ हो चाहे ना हुआ हो, क्योंकि बाजार में खबर मिलेगा नहीं एंड दे शुड कीप चेकिंग दिस। किसी को कई बार लोगों को फीवर भी आता है, ये सिम्टोमेटिक रहते हैं और हाइपोक्सिया हो जाता है धीरे धीरे करके, तो मैं तो सलाह ये दूंगा कि जो पेशेंट जिसकी फैमिली में कोविड नहीं भी हुआ है, उनका एक ऑक्सीजन सेचुरेशन मशीन होनी चाहिए ऑक्सीमीटर, और वो नापते रहे, हफ्ते में एक दो बार नाप रहे, अगर हल्का से भी खांसी या बुखार आ रहा है या नहीं भी आ रहा है तो भी वो नापते रहे, क्योंकि दिस पेशेंट सबको नहीं होता हाइपोक्सिया, 35-40% ऑफ पेशेंट ऑफ कोविड, तो उनको सबको होगा। लेकिन इसलिए बचने का तरीका ये है कि टू डायग्नोज अर्ली, टू डायग्नोज अर्ली यू हैव टू हैव ऑक्सीमीटर, दैट इज द ओनली वे यू कैन डू इट। लेकिन मैं दूसरी बात और कहना चाहूंगा आपसे टीवी के माध्यम से, इस समय जो महामारी चल रही है इसका इलाज वैक्सीनेशन तो है ही, विच इज ए लॉन्ग टर्म, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। अब डायग्नोसिस के लिए RT-PCR टेस्ट आजकल अवेलेबल नहीं है उतनी अच्छी तरीके से। मैं कहता हूं जो भी पेशेंट एक्सपोज है, किसी फैमिली मेंबर में किसी को एक्सपोजर हुआ, तो वे सोच के ना चले कि मुझे नहीं होगा। दिस वेरियंट इज हाईली कॉन्टिज्यूअस, 100% तो नहीं, 99% श्योर होती है कि अगर एक फैमिली में किसी को हुआ तो बाकी को तो होना ही है, चाहे वो सिम्टम आए, चाहे सिम्टोमेटिक रहे या हल्की खराश रहे। इन पेशेंट्स को बताना है कि वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तक ना पहुंचे, हाइपोक्सिया की रिक्वायरमेंट तक ना पहुंचे। उसका एक ही तरीका है, वॉट आई एम डूइंग, आई एम ट्रीटिंग ऑल माई एक्सपोज पेशेंट्स विद मिनिमम 1 एंटीबायोटिक, विटामिन सी, जिंक वाला विटामिन एंड ऑल्सो आइवरमेक्टिन। अभी आइवरमेक्टिन के बारे में बड़ी बहस हो रही थी, आइवरमेक्टिन इज यूजलेस, आई वुड स्टिल से कि आइवरमेक्टिन इज द ओनली वेरी सेफ मेजर मिनिमम साइड इफेक्ट मेडिसिन विच शुड बी गिवन टू ऑल द पेशेंट्स हु आर एक्सपोज एट अर्ली स्टेज, सो दैट एटलीस्ट दे डू नॉट हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ रीचिंग टू द प्लेस स्टेज ऑफ हाइपोक्सिया जहां पे उसको हॉस्पिटल बेड की जरूरत पड़े। दिस इज वन थिंग। एंड सेकेंडली थिंग, आपकी इम्यूनिटी अगर कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहेगी किसी पेशेंट की, तो उसके लिए हर पेशेंट को इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हर पेशेंट को नहीं, हर व्यक्ति को करना चाहिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और स्पायरोमेट्री घर के अंदर हो, जिससे कि अगर बाय चांस वो कोविड में हो, अभी कोई लोग मजाक कर रहे थे कोविड कब खत्म होगा, लोगों ने कहा कोविड तब खत्म होगा जब एवरीबॉडी इज आइदर एक्सपोज और इम्यूनाइज, यानी कि 137 करोड़ की आबादी में
सबको एक्सपोजर हो जाए या एयर इम्यूनाइज हो जाए तभी कोविड खत्म होगा। एक्सपोजर का मतलब है कि यू विल सफर फ्रॉम डिजीज, उसको बचने के लिए इफ यू आर हैविंग गुड इम्यूनिटी बॉडी ब्रीदिंग लंग फुल्ली कैपेसिटी है, 50 साल से ऊपर वाले खास करके उनको तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए कि अगर उनका बाई चांस कोविड हो दे विल नॉट बी सफरिंग फ्रॉम हाइपोक्सिया। ओके ऑलराइट डॉक्टर सुचिन।